तो सुबह मॉर्निंग की हमारी एक पहली क्लास है और इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग की। और वीवीए की है हमारी ये फोर्थ क्लास है, राइट सर? फर्स्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था फंडामेंटल ऑफ द वीवीए प्रोग्रामिंग। सेकेंड क्लास में हमने डिस्कस किया था आपके साथ रिकॉर्डिंग माइक्रो को एडिट करना। और थर्ड क्लास में हमने आपके बात किया था माइक्रो को किस तरीके से, मतलब टाइप ऑफ माइक्रो के बारे में और एडिंस के बारे में। आशीष जी, इन सब टॉपिक में कोई डाउट है आपके पास? नहीं सर, नहीं। हाँ क्लियर है? जी, ओके, तो आज हम एल्गोरिदम और माइक्रो क्रिएशन, माइक्रो डिक्लेरेशन, इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं एल्गोरिदम पे। तो देखिए, जब भी कोई प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई भी प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप होता है एनालिसिस, उसके बाद होता है उसकी जो एनालिसिस करके कोई भी प्रोग्राम को हमने समझा, समझने के बाद हमने उसको एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद हमने उसको अपने हिसाब से देखा कि इसका सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या होगा। और जो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका मिला, उस शॉर्टेस्ट तरीका का हमने सबसे उसके बाद क्या किया, एल्गोरिदम बनाया। एल्गोरिदम क्या होता है कि हम स्टेप्स लिखते हैं कि आखिर क्या होने वाला है, किस तरह से होगा, किस प्रोसेस, किस सीक्वेंस से होगा, वो सीक्वेंस बनाते हैं। फिर उस एल्गोरिथम के बिहाफ पे हम कोड करते हैं और फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। अगर टेस्ट सक्सेस हुआ तो ओके, अगर प्रॉब्लम है तो हम उसको रीकोड करते हैं, जो भी एरर आया उसको सॉर्ट आउट करते हैं और फिर उसको रीटेस्ट करते हैं। ये तब तक चलता रहता है जब तक कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन ना हो जाए, उसके बाद हम उसको अप्लाई करते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम को यूज करने का ये फाइव स्टेप कहा जाता है, राइट सर? तो ये बिल्कुल सर, फाइव बिल्कुल। स्टेप इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें एल्गोरिदम क्या है और क्यों हम इसका इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने प्रोग्राम को बनाना है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे ही प्रोग्राम बनाना है, एक सिंपल सा लिखना है कि एक माइक्रो बनाऊं जो माइक्रो नेम, यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे मार्क्स को लिख दे, राइट? अब प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है आपके साथ कि कैसे लिखे। सबसे पहले हम एल्गोरिथम तैयार करेंगे कि स्टार्ट इट मींस डिक्लेरेशन ऑफ द माइक्रो, सिलेक्ट A1, एंटर नेम, उसके बाद सिलेक्ट B1, एंटर रोल, सिलेक्ट C1, एंटर मार्क्स। और फिर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ई क्या है, इसको क्या जरूरत है करने की, लेकिन ये जरूरत है। जरूरत का इसलिए है क्योंकि आप अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका सबसे दो प्रॉब्लम होगी। पहली प्रॉब्लम कि उसकी स्टेप मिस नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जो वीवीए है वो लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है ना? लाइन बाय लाइन चलता है। तो अगर आपका पहले आपको नेम लिखना है तो पहले आपको जगह बताना पड़ेगा कि कहाँ पे लिखना है। ठीक है ना? तो उसके बाद आपको नाम लिखना है।
अगर आपने मान लीजिए पहले नेम लिख दिया और लोकेशन आपका कोड आपने अगले लाइन में दिया, तो क्या होगा, आपका माइक्रो सक्सेसफुली रन नहीं होगा, खाली एरर देगा या फिर गलत परफॉर्म करेगा। उसी तरीके से आपको पिवट लगाना है तो पहले आप पिवट डेटा को सिलेक्ट करोगे देन पिवट लगाओगे। ऐसा नहीं कि पिवट लगा दिया और डेटा को सिलेक्ट बाद में किया, जी नहीं, पहले पिवट लगाना, आपको पहले सिलेक्शन करना है देन डेटा को सिलेक्ट, सॉरी पहले सिलेक्शन डेटा सिलेक्ट करना है देन पिवट लगाना है। तो एल्गोरिथम आपको यहाँ पे जरा सपोर्ट करता है। तो आप अपने ऑफिस में रिपोर्ट डेलीबेसिस बनाते हैं उसकी एल्गोरिथम आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है सर? ठीक है सर। और दूसरा फायदा इसका होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कल के डेट में आपके पास कोई, मान लीजिए मुझे आशीष जी आप ही बोलेंगे कि सुजीत मेरे लिए एक मैक्रो बना दीजिए, तो क्या होगा कि मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे करना है, तो आप सारे स्टेप्स बताओगे। अब सारे स्टेप्स जो आप बताओगे उसको मुझे कहीं पे लिखना पड़ेगा एल्गोरिथम फॉर्म में, ताकि कन्फर्म करना पड़ेगा। जो आप बताते जाओगे तो मुझे याद तो हमेशा रहेगा नहीं, इसलिए पहले आप बोलोगे तो मुझे धीरे धीरे वो याद करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। तो एल्गोरिथम तैयार कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई स्टेप छूटेगा नहीं, कोई स्टेप आपको मिस सिक्वेंस नहीं होगा, इसलिए एल्गोरिथम लिखना जरूरी है। अब चलिए हम वापस बढ़ते हैं माइक्रो के ऊपर, माइक्रो प्रोग्राम के कंसेप्ट के ऊपर। तो पहले आपको ये बता दूं कि जब भी आप माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज करें उससे पहले आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले डेवलपर टैब चाहिए, उसके बाद आप माइक्रो सिक्योरिटी को एनेबल करेंगे, उसके बाद आप फाइल को सेव करेंगे माइक्रो एनेबल वर्कबुक .xlsx के फॉर्मेट में। ये तीन चीजें आप आपके पास होनी चाहिए जब आप यूज करते हैं इसमें एक्स, जब आप वीवी यूज करते हैं तो ये आपके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है सर? ठीक है सर। हाँ जी, उसके बाद हम जब विजुअल बेसिक को क्लिक करते हैं तो विजुअल बेसिक को समझिए क्या होता है। विजुअल बेसिक जब क्लिक करने पे आपका सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज। मेरा तो साइड में है लेकिन आप लोगों का आपका लोगों का प्रॉपर्टी इस तरह से आता होगा, ठीक है? इस तरह से आता होगा। तो यहां पे क्या चाहिए आपको, सबसे पहले चाहिए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर एंड प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, जो कि आपको यहां से क्लिक करने, सॉरी इस पे क्लिक करने पे, या शॉर्टकट कंट्रोल आर इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने पे आपके पास प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज आ जाएगा, प्रोजेक्ट एक्सप्लोर आ जाएगा और इससे प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज आ जाएगा। मतलब कि आपको कोड कहाँ पे करना है ये आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोर बताता है, और जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट एक्सप्लोर में उसकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो आपको बताता है प्रॉपर्टीज। लेकिन कोड कहाँ करेंगे, सबसे पहली बात आती है कि हम कोडिंग लिखेंगे कहाँ पे। देखिए आप जब फाइल ओपन करते हैं जितने भी फाइल ओपन है उसका लिस्ट यहाँ लिखता है, उसके जो फाइल ओपन है वो यहाँ दिखेगा, उसके अंदर जितने भी शीट्स है उस शीट्स का नाम और दिस वर्क दिखेगा। तो आप कोडिंग जो है शीट टू पे डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, शीट थ्री पे भी डबल क्लिक करके करेंगे, ये जो करने के बाद जो व्हाइट एरिया आता है वो आपका कोड एरिया है, उसी पे आपका कोड होगा, ठीक है सर? तो जो कोड होगा तो आप इसमें भी क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन हम कोड इस पे नहीं करते हैं। तो कोड कहां करते हैं,
हम मॉड्यूल्स लेते हैं। तो मॉड्यूल्स लेने के लिए मॉड्यूल जो हम लेते हैं उसमें एक दिक्कत है कि क्यों लेते हैं, पहले इस चीज को जानना जरूरी है कि अगर मॉड्यूल्स हम ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। तो मॉड्यूल्स लेने का पर्पस ये है क्योंकि अगर आप सीट थ्री में सीट फोर में इस वक्त में कोड करते हैं तो एक तो आपका सीट थ्री पे कोड किया तो सीट थ्री का पार्ट रह गया, पहली चीज। दूसरी, अगर आपने जो सीट थ्री पे जो आपने कॉल किया मैंने लिखा वो अगर सीट थ्री डिलीट होता है तो आपका कोड डिलीट हो जाएगा। फिर अगर आप बुक में करते हैं या कहीं भी करते हैं तो क्या होता है कि इनके बीच में रिलेशन जो है क्रिएट नहीं हो पाता है, दिक्कत करता है। इसलिए हमेशा हम एक नया मॉड्यूल को इंसर्ट करते हैं, उसमें अपनी कोड को लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मॉड्यूल्स में हम इसलिए लिखते हैं ताकि फाइल की प्रॉपर्टी में सेव हो और मॉड्यूल्स को इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है एज ए कोड और इसको इजीली रिलेट किया जा सकता है और हर जगह से परफेक्ट है, इसलिए इसे लिखते हैं। लेकिन सीट थ्री में भी हम कोडिंग करते हैं, सीट्स पे ही कोडिंग करते हैं, लेकिन वो इवेंट मैक्रो में कोडिंग करते हैं, वो आगे हम आपको बताएंगे। राइट, अब ये तो हो गया हमारा कोडिंग। कोडिंग कहाँ करेंगे उसका, डबल क्लिक करें। अब कोडिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, तो सब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तभी आप उसको रन कर पाएंगे यहां से। तो सब्जेक्ट इट मींस डिक्लेरेशन ऑफ द मैक्रो। तो मैंने यहां लिखा सब और यहां पे आरआर ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर मार दिया। अब जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे अपने स्टेप्स लिखेंगे यहीं पे लिखेंगे और जब हमें रन करना होगा तो माइक्रो में लिस्ट में हमें आर आर एक सब्जेक्ट दिखेगा, उसको हम रन करेंगे तो रन हो जाएगा। तो कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है तो मॉड्यूल्स में करनी है और मॉड्यूल्स के अंदर में आपको एक सब्जेक्ट में करनी है। अब एक मॉड्यूल के अंदर कई सारे सब्जेक्ट मतलब कई सारे माइक्रो आप डिक्लेयर कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। अब बात करते हैं मैक्रो का नाम। तो मैक्रो का नाम क्या होना चाहिए, देखिए मैक्रो का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं लेकिन कुछ नियम है जो आपको पूरा करना पड़ेगा, जैसे कि टेस्ट टुडे। अब ये नाम गलत है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में स्पेस है। तो मैक्रो नेम के अंदर में कोई भी स्पेस कॉमा डेसिमल स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं डाल सकते हैं ना, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं डाल सकते ना मैथमेटिकल ऑपरेटर डाल सकते हैं। हाँ, इनके बीच में आप अंडरस्कोर डाल सकते हैं, अंडरस्कोर एक्सेप्ट कर लेता है, पहला ये दिक्कत हुआ। दूसरा, प्री डिफाइंड नेम आप नहीं डाल सकते। तीसरा, आप थ्री कैरेक्टर एंड अल्फाबेट नहीं डाल सकते, सिराज वन ये नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, इसका रीजन ये है कि जब आप उसको रन करेंगे तो आपका रन ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि राज वन करके आपका रेफरेंस है। तो आपका रेफरेंस जो है तीन डिजिट तीन कैरेक्टर का अल्फाबेट और डिजिट्स होते हैं, तो तीन कैरेक्टर और अल्फाबेट को तीन अल्फाबेट एंड नंबर्स को आप नहीं डालेंगे माइक्रो नेम में। राइट सर, तो ये आपका क्रिएट हुआ। अब हम सब्जेक्ट करें या पब्लिक सब भी कर सकते हैं हम, तो पब्लिक देना जरूरी नहीं है बना, हम पब्लिक सब भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। अगर माइक्रो डिक्लेरेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंसर्ट प्रोसीजर यहाँ पे दिख रहा है, इस प्रोसीजर पे क्लिक करें, यहाँ पे अपना माइक्रो नाम लिख दें और सब्जेक्ट करना है, फंक्शन करना है, क्या करना है, पब्लिक करना है या प्राइवेट करना है, आप यहां से सिलेक्ट कर ले और ओके करें तो आपका फंक्शन डिक्लेयर ऑटोमेटिक आपका डिक्लेयर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका माइक्रो डिक्लेरेशन। अगर फंक्शन डिक्लेयर करना हो तो फंक्शन के लिए सब्जेक्ट के जगह पे हम लिखते हैं फंक्शन, फिर फॉर्मूले का नाम, जो फॉर्मूले का नाम है, और फिर हम फॉर्मूले का इनपुट देते हैं कि कितने इनपुट होंगे। जैसे कि आप इफ फॉर्मूला लगाते हो तो इसमें तीन इनपुट होते हैं ना, टेक्स्ट लॉजिक, उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स। तो उसी तरह से कोई फॉर्मूला बना रहे हो तो इनपुट करते समय फॉर्मूला लगाते समय वो कितना इनपुट करेगा तो यहां वो डिक्लेयर करना होता है। तो मैंने बोल दिया आर एज ए डबल, तो यहां पे वो डिफाइन करना पड़ता है कि कितने होंगे, क्या नाम होगा और किस फॉर्मेट का होगा।
तो अब देखिए आपने एक्सेल में आपके पास कैलसी नाम का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, कैलसी नाम का फॉर्मूला आ गया। अब इस पे एफ एक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ खुल के आ जाएगा, तो ये आर है यहाँ पे, इसका हेल्प नहीं होता है बट आर जो है आपका आर है, आर के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से आप फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो। तो मैक्रो डिक्लेरेशन समझ में आ गया आशीष जी? सुजीत सर, ये फंक्शन जो है मतलब कभी भी फॉर्मूलाज वगैरह कुछ डिक्लेयर करना होगा देन वी विल टेक फंक्शन। फॉर्मूला डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन आपको करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला डिक्लेयर करने से मतलब स्टार्टिंग में ही उसको ये सब्जेक्ट का नाम ये देना पड़ेगा? अच्छा, ये तो आपने सिंपल वैसे लिखा है। हाँ, आगे बताऊंगा मैं। देखिए क्या होता है, फंक्शन से स्टार्ट होता है, फॉर्मूला का नाम क्या है वो देना होता है, और फॉर्मूले के इनपुट कितने हैं, तो इसमें एक इनपुट है, मतलब कि हम इसमें नंबर इनपुट करेंगे, ओके ओके, ठीक है ना। अगर हम स्ट्रिंग कर देंगे तो टेक्स्ट इनपुट करेंगे, तो इसके वेरिएबल का बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल देना होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट में आपको सब लिखे और अपना फंक्शन नेम लिखे, लेकिन याद रखिए मैक्रो नेम लिखे। मैक्रो नेम में क्या क्या नहीं होना चाहिए ये चीज आपको मैंने बता दिया था, उसको आप फॉलो रखिएगा, राइट। सर ये आर एस डबल क्या है? डबल वेरिएबल है, वेरिएबल है, हाँ। इसके बारे में हम आगे क्लास में बात करेंगे, फिलहाल इसको इग्नोर कीजिए आप, ठीक। अब बात करते हैं कि मैक्रो का लाइन जो है पहला लाइन क्या लिखेंगे। जैसे कि आप इंग्लिश में लैंग्वेज में लिखते हैं तो आप, आपको पार्ट ऑफ स्पीच में बताया गया है कि किसी भी सेंटेंस का पहला वर्ड मोस्टली नाउन प्रोनाउन होता है, क्या आप जब इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को हिंदी से किसी भी लैंग्वेज से, तो पहला वर्ड क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन? मोस्टली, मतलब कि हमेशा तो नहीं होता है एज पर ग्रामरली, लेकिन मोस्टली तो नाउन प्रोनाउन ही होते हैं ना। उसी तरीके से वीवीए में क्या होता है कि आपका पहला वर्ड में से चार चार जो हमारे ऑब्जेक्ट है उसमें से कोई एक हो सकता है, जैसे कि एप्लीकेशन, उसके बाद वर्क और शीट्स, और इसके बाद रेंज, समझे? इन चारों में से कोई एक होगा, या तो एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे या वर्कबुक से स्टार्ट करेंगे या सीट से स्टार्ट करेंगे या रेंज से स्टार्ट करेंगे। ये डिपेंड करता है आपके इसके ऊपर, किसके ऊपर, जो आपका एल्गोरिथम है उसके ऊपर। जैसे एल्गोरिथम कह रहा है, एल्गोरिथम कह रहा है क्रिएट न्यू वर्कबुक। अब एल्गोरिथम मतलब कि आपका जो काम है वो किसको इफेक्ट कर रहा है, वर्कबुक को इफेक्ट कर रहा है, तो आपका कोड होगा यहां पे वर्क बुक्स डॉट एड, समझ गए? मतलब आपने वर्कबुक, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेंबर हो गया, मतलब इसको एक कह सकते हो कि लोकेशन, और ये हो गया एक्शन, मतलब किसमें क्या करना है, तो वर्कबुक में ऐड करना है, समझ गए? तो सुजीत ये हमारे ऑब्जेक्ट हुए चारों, हाँ ओके, ये चार ऑब्जेक्ट है और आपका 80% लाइन ऑफ कोड इसी से स्टार्ट होगा, समझ गए? वर्कबुक से या रेन से या शीट से, या फिर आप देखोगे कोई भी प्रोग्रामिंग देखोगे उसमें आप देखना कि मोस्टली लाइन इसी से स्टार्ट हुआ हुआ है, ठीक है सर। तो इसमें पिवट्स और चार्ट्स नहीं आते? क्यों नहीं आते ऑब्जेक्ट?
नहीं आते हैं, मतलब रिवर्स और चार्ज जो है वो एक सीट के अंदर, सीट के अंदर आते हैं ना। ओके ओके, मतलब कि इसमें मेंबर है तो उसके सब मेंबर भी तो होंगे। अच्छा, आपको चार्ट क्रिएट करना है तो चार्ट किसी सीट पे क्रिएट होगा ना? हाँ जी हाँ जी, तो सीट होगा। ऐसे अगर आपको फिल्टर लगाना है तो फिल्टर का ऑब्जेक्ट नहीं, इसका मतलब फिल्टर रेंज पे लगता है ना। ठीक है, रेंज का पार्ट हो गया। तो फिल्टर लगाना, पिवट लगाना, इट्स नॉट ए ऑब्जेक्ट, इट्स एक्शन, समझे? मेंबर है, मतलब कि लोकेशन कहाँ पे क्या करना है, दो ही चीज होता है, कहाँ पे क्या करना है। तो कहाँ पे तो यही है ना, आपके चार ही लोकेशन है ना। आप एप्लीकेशन में कुछ कर सकते हैं, वर्क में कुछ कर सकते हैं, शीट में कुछ कर सकते हैं, या रेंज में कुछ कर सकते हैं। क्या करेंगे आप? कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, फिल्टर लगाएंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, पिवट लगाएंगे, चार्ट लगाएंगे, ये सब चीज करेंगे ना। अब ये सारी चीजें होगी कहाँ? इन चारों में से किसी एक में होगी, इसलिए हमारा लाइन ऑफ कोड इसी वर्ड से स्टार्ट होगा। और डिपेंड करता है कि जो आप एक्शन करने जा रहे हैं, जो काम करने जा रहे हैं, वो किसको इफेक्ट करता है, किस पे होगा। जैसे आपको कॉपी करना है तो क्या कॉपी सीट होता है? जी नहीं, कॉपी रेंज होता है, तो रेंज का मेंबर बनेगा। रेंज a1b1.copy.paste, पेस्ट तो सीट का पार्ट है, पेस्ट स्पेशल, रेंज का पार्ट। तो आपको ये चीज भी समझना पड़ेगा कि जो जो काम करने जा रहे हैं वो किसको इफेक्ट करेगा, और दूसरा कि वो किसका मेंबर है। जैसे कॉपी एंड पेस्ट करते हो आप, तो पेस्ट में पेस्ट सीट का पार्ट है और पेस्ट स्पेशल आपके रेंज का पार्ट है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है सर? सर ये एक बार रिपीट करना, जैसे कॉपी पेस्ट स्पेशल आप बोल रहे हो, वो शीट का पार्ट है। कॉपी रेंज का पार्ट है, ये एक एरिया कॉपी होती है, ठीक है? हाँ जी। और पेस्ट करते हैं तो सीट का पार्ट है, सीट वन डॉट पेस्ट या सीट टू डॉट पेस्ट, और पेस्ट स्पेशल रेंज का पार्ट है। सर ऐसा क्यों, जैसे कॉपी किया तो कुछ सेल कॉपी किए तो वो रेंज का पार्ट हो गए। हाँ। अब आपने उसी को पेस्ट करवाया उसी शीट में, तो वो भी तो सेल पे ही पेस्ट होगा ना, लेकिन वो रेंज का पार्ट नहीं। कुछ ऐसे बने हुए हैं प्रोग्रामिंग, अगर प्रोग्रामर ने बना दिया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। नहीं सर, मतलब मैं तो लॉजिक वैसे पूछ रहा था। तो क्योंकि पेस्ट स्पेशल रेंज का पार्ट कर दिया गया है, और पेस्ट जो है इसका पार्ट इसलिए किया गया पेस्ट, कि पेस्ट आप सिर्फ रेंज को नहीं करते हो, पेस्ट आप ऑब्जेक्ट भी तो करोगे, जैसे पिक्चर, चार्ट, सैप्स, वो तो किसी रेंज पे पेस्ट नहीं होता है ना सर। हाँ सर, तभी मैंने पूछा क्योंकि जनरली ये जो हायरार्की आपने बताई है, यह लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि जब आप कॉपी करते हो तो आप कॉपी अलग अलग, कॉपी का अलग अलग है, जैसे सिलेक्शन डॉट कॉपी, सीट डॉट कॉपी, ऐसे कॉपी अलग अलग कॉपी दिया गया है। कॉपी जो है सिर्फ एक सीट रेंज का मेंबर नहीं है, वो हर किसी का मेंबर है, फाइल का भी मेंबर है, लेकिन पेस्ट जो है सीट का मेंबर है। क्यों? क्योंकि पेस्ट जब होता है तो अकॉर्डिंग द डेटा, अगर आपका रेंज, आपने एक एरिया कॉपी कर रखा है तो सेल पे पेस्ट होगा, अगर आपने एक पिक्चर कॉपी कर रखा है तो वो तो सेल पे कॉपी नहीं होगा ना, वो तो सेल से बाहर होगा, शीट पे जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है सर। सर अगर रेंज, जैसे आप बता रहे कि रेंज पे क्यों है, जैसे कि वो सर बोल रहे हैं, अगर रेंज पे नहीं होगा सर तो उसके आगे जाने के बाद ऑफसेट वगैरह भी तो नहीं लगेगा ना। अगर तो कहने का मतलब है कि आप जब पिक्चर पेस्ट करिएगा तो ऑफसेट कैसे लगाइएगा, इसलिए तो पेस्ट स्पेशल दिया गया है आपके पास। पेस्ट स्पेशल में आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, जो वो रेंज की बात होती है कि सर रेंज क्यों हो रहा है, वो तो शीट का ही पार्ट है, तो उसी पे जो मैंने कहा कि अगर रेंज नहीं होगा तो ठीक। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि अब इसकी, इसके बारे में पहले आपको इसके मेंबर को, जैसे आपने डॉट यहाँ पे डॉट डाला तो बहुत सारे मेंबर आ गए ना सर, आपको आ गए, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। तो आपको कल एंड परसों दो दिन वीकेंड्स है आपके पास, तो उस केस, उस दौरान आप क्या करेंगे, एक्सेल हेल्प पे जाएंगे। कैसे जाएं?
आप विजुअल बेसिक के इस पे क्लिक कर रहे हैं, किस पे क्लिक कर रहे हैं, हेल्प ऑप्शन पे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको इस तरह का खुल के आ जाएगा, उसमें आपको यहाँ दिखेगा एक्सेल वीवीए रेफरेंस, यहाँ पे भी दिखेगा और यहाँ पे भी दिखेगा, किसी एक पे क्लिक कर लीजिए, याद रखिएगा एक्सेल वीवीए रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा, ऑब्जेक्ट मॉडल आएगा, तो आप ऑब्जेक्ट मॉडल पे क्लिक करेंगे, कंसेप्ट पे नहीं। ये आपका वीवीए का हैंडआउट है, मतलब यूजर मैनुअल है। उसके बाद ये सारे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, दिख रहा है आपको सर, ये सारे एक्शन ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, ऑब्जेक्ट भी है एक्शन भी है, या सब ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं इसको आप। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, पढ़ना है वर्कबुक, वर्कबुक ऑब्जेक्ट को पढ़िए, सीट ऑब्जेक्ट को पढ़िए और रेंज ऑब्जेक्ट को पढ़िए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना वर्कबुक ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हर हर ऑब्जेक्ट के तीन पार्ट होते हैं, इवेंट, मेंबर एंड मेथड। तो आपको इवेंट, मेथड, प्रॉपर्टीज है आपका और इवेंट है। तो इसपे जैसे आप क्लिक कर्सर रखेंगे ना इस पे, जैसे कि इसको क्लिक, एक तो इसके बारे में बताया गया है कि कैसे अप्लाई होता है, जब इसको एक्टिवेट है आपको इस पे क्लिक करेंगे तो आपको किसी फाइल को एक्टिवेट करने का कोड क्या है उसे पता चल जाएगा, एक्सप्रेशन डॉट एक्टिवेट है, और यहाँ पे इसके बारे में बताया जाएगा और एक एक छोटा सा एग्जाम्पल भी रहेगा आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करें, इसमें से चारों ऑब्जेक्ट को एक बार स्टडी कर लें, वीक में जितना स्टडी कर सके उतना स्टडी कर लें, फिर हम कल से आपके कोड लगाना, कोड समझाना, उसके मेथड जो है हम बताने शुरू कर देंगे, मतलब कि हम बेसिक एक्सेल वीवीए के थ्रू स्टार्ट करेंगे। सर दीपक बोल रहा हूँ। हाँ दीपक जी। हाँ सर, हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद डॉट होता है क्या, डॉट होना जरूरी है क्या? नहीं, ऑप्शन के बाद में, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में डॉट होता है। अच्छा, या ऑब्जेक्ट या मेंबर के बीच में डॉट होता है, क्योंकि सेपरेशन होता है। जैसे फॉर्मूला आप लगाते हैं तो फॉर्मूला में इनपुट देते हैं, तो जैसे आपको दो इनपुट देना है तो बीच में कॉमा लगाते हैं ना आप, तो प्री डिफाइन है। उसी तरह से वीवीए में जब आप एक ऑब्जेक्ट लगा के फिर मेंबर लगाते हैं या सब ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे आपने वर्कबुक एड, तो मैं वर्कबुक एड सिर्फ लिख दूंगा तो एक्सेल नहीं समझ पाएगा, वर्कबुक डॉट एड लिखूंगा तो समझ जाएगा कि वर्कबुक को एड करना है। अच्छा, क्योंकि कभी कभी कॉमा भी लगता है, कभी सेमी कॉलम लगता है। कॉमा कॉमा सेमी कॉलम के बारे में बताऊंगा आगे चल के, हम कॉमा लगता है उसके डिटेल्स में। जैसे कि मान लीजिए कि आपको फाइल सेव करनी है, तो आपने लिखा एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, अब सेव करते समय सेव जो मेंबर एक्सेल है उसको कई सारी चीज चाहिए, कि फाइल का पाथ क्या होना चाहिए, नाम क्या होना चाहिए, उसे पासवर्ड लगाना है कि लगाना है, तो ये सब जो डिटेल देना है आपको, तो डिटेल में कॉमा या सेमी कोलन लगता है, समझ गए, डिटेल में। ये हम आपको कल नेक्स्ट क्लास में चीजें समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल आप इसको स्टडी कीजिए और मंडे जानते लेते हैं। हाँ जी सुजीत सर, मेरा वो इश्यू तो अभी तक रिजोल्व नहीं हुआ, आप एक बार वो देख लोगे क्या चीज का? मैं आप सर वो एक आपको जो एक्सेल भेजी थी, आप जब तक मुझे ओरिजिनल डेटा नहीं देंगे वो इश्यू रिजोल्व नहीं होगी। मुझे देखना तो होगा ना कि उसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट लगा है, क्या करेक्टर है, हिडन करेक्टर में कौन सा करेक्टर है, तभी तो मैं उसको रिमूव करने का ऑप्शन बताऊंगा। क्लियर उसको क्लियर नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो क्लियर के अंदर में नहीं आता है, मतलब कि हिरन क्लियर का ऑप्शन, क्लियर क्लियर का आपने दिया ही नहीं उसमें, तो खाली आपने वो दिया है स्पेस का, क्लियर वाला फॉर्मूला नहीं लिखा, तो वे स्पेस ही जो हमने ब्रैकेट ओपन क्लोज किया और क्लियर के पार्ट आता है, तो उससे नहीं हो रहा है, मतलब कि कोई और करेक्टर है आपका, तो दिखाइए मैं करेक्टर देखूंगा तभी तो बता पाऊंगा ना। तो मुझे टेक्स्ट वाले कॉलम की कॉपी करके भेजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा उसको क्लियर करने का क्या उपाय है। ठीक है सर।